जी ओके। राधे राधे। राधे तो राधे राधे बहुत बहुत स्वागत है आप राधे सभी का। राधे 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 सबसे कर लेते हैं एक बार मैडम, फिर स्टार्ट करते हैं। राधे 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 राधे। अब आया मजा। अब लगता है कि भाई सब लोग सुन रहे हैं और सब लोग जीवित हैं। आनंद आ गया, आनंद आ गया। चलिए राधे राधे टू ऑल, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्लेसिंग वेबिनार के अंदर। जैसा कि कल भी हमने वेबिनार लिया था, और आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट लिया है, तो ज्यादा हम आपका समय नहीं लेते हैं, स्वागत करते हैं सुरभि जी का। उससे पहले जो क्वेश्चन रेज हो रहे थे अभी रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले, तो यूट्यूब व्यूअर्स के लिए और जो आप सब लोग आज उपस्थित हैं उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि हमारी एक अपकमिंग क्लास आ रही है जो कि है पामिस्ट्री के ऊपर। ये क्लास कल से ही स्टार्ट हो रही है, यानी कि आपके पास समय बहुत कम है। इसके लिए हम पहले से ही माफी चाहेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और बहुत ही अमेजिंग क्लास है। क्लासेस 13 डेज की है, 12 दिन लिखा हुआ है और एक दिन हमने इसमें एक्स्ट्रा भी किया है। तो ये 13 डेज की एक मास्टर कोर्स होने वाला है जो कि एक कंप्लीट कोर्स है। इससे पहले हमने बेसिक करवाया हुआ है, लेकिन इसमें बेसिक और एडवांस दोनों ही कवर किए जाएंगे। इसका एनर्जी एक्सचेंज 9999 है, 9999 रुपये। आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है मास्टर कोर्स, तो इसका आपका एनर्जी एक्सचेंज 5555 यानी 5555 रुपये है। लगभग 40% का आपको इसके अंदर एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो 5555 रुपये विद GST, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में ये चीज हो रही है। तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, और ये कल हो रहा है आफ्टरनून टाइम पे, यानी कि 12:12 पे। सारी की सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली हैं। जितनी भी क्लासेस होंगी सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सभी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन ऐप। 1 साल तक नोट्स मिलते हैं, 6 मंथ तक रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, और जितने भी डाउट्स हैं वो मैडम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्लियर करती हैं। और हर क्लासेस के अंदर डाउट सेशन रहता है, और वो क्लियर करने के बाद ही सेशन एंड होता है। तो ये 13 दिन की जर्नी हमारे साथ जो आप करेंगे उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। उसके मैं छोटे छोटे बिंदु सिर्फ आपको बता देना चाहता हूँ। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए प्लीज। जी, तो ये हमारी 13 डेज की मास्टर क्लास है कि हाथ के सीक्रेट को कैसे अनलॉक किया जाए। सब कुछ जो भी पॉसिबल हमारे प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू लिटिगेशन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रोफेशन, बिजनेस करे, जॉब करे, क्या जॉब करे, क्या प्रोफेशन करे, नेम फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सब कुछ इस कोर्स में है, सारी प्रिडिक्शंस में है। तो हम टाइप्स ऑफ हैंड्स पढ़ेंगे, पाम के कलर्स पढ़ेंगे, ये जो आपके फिंगर्स के पोर्शंस होते हैं दीज आर कॉल्ड फैलेंजेस, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। अपने आप में एक पूरा बड़ा चैप्टर है इसके ऊपर, एक थम के ऊपर आप इतनी सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। थम के फैलेंजेस पढ़ेंगे, कैसे पता चले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है, कैसे पता चले कि मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी रॉन्ग एक्टिविटी में पुट कर दिया, क्यों कर दिया। माउंट्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, हमारे जो मेजर लाइंस होते हैं हार्ट, लाइफ, माइंड लाइन, ये भी पढ़ेंगे, सेकेंडरी लाइंस को भी हम पढ़ेंगे। माउंट्स में इनफैक्ट हम सिर्फ मेन प्लैनेट्स नहीं, इवन शैडो प्लैनेट्स राहु एंड केतु को भी पढ़ेंगे। रिंग ऑफ सोलोमन, सोलोमन आपकी ट्रैवल होगी नहीं होगी, आपके लिए ट्रैवल फ्रूटफुल होंगे नहीं होंगे, क्या एक्सीडेंट का योगा बन रहा है, कितने बच्चे हो सकते हैं, क्या लिटिगेशन का इश्यू आएगा नहीं आएगा। रेमिडीज मोर देन 100 होंगी इस कोर्स में, एंड 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। इवन जो हमारा ये हाथ है दीज आर कॉल्ड आर ब्रेसलेट्स ऑफ हैंड्स, नेचुरल ब्रेसलेट, इससे क्या होता है, कैसे राजयोग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको धनियों के बारे में बताऊंगी, सो यू विल गेट एन इनसाइट। सब कुछ हम पढ़ेंगे, ऑल स्मॉल लाइन्स, ऑल बिग लाइन्स, पूरे हाथ में जो कुछ भी हमें दिखाई दे सकता है उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। विद एटलीस्ट 100+ रेमिडीज वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स एंड 2 डेज ऑफ ओनली प्रैक्टिस सेशंस। तो बहुत कुछ है इसके अंदर, ये सब बुलेट पॉइंट्स मैडम ने बताए हैं, लेकिन बहुत आनंद आने वाला है इन 13 दिनों में। जो स्टार साइन फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है उन्हें पता है पेमेंट कहाँ करना है। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए हमने आपको एक स्क्रीनशॉट के लिए दिया है पेमेंट डिटेल, प्लीज आप नोट कीजिए। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट की स्लिप को आपको 7665595666 पे शेयर करना है। आज जो आपके पास लिंक आया है उसके अंदर भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है, लेकिन पेमेंट आपको 9675176666 पर ही करना है। तो सभी यूट्यूब व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन सभी को, सभी का मैं स्वागत करता हूँ।
क्लास ज्वाइन कीजिए और अपने हाथों से अपनी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी को एक तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आने वाले हर्डल्स को जानकर उसकी रेमेडीज पहले से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के टॉपिक पे बात करते हैं, धन धन धन। तो बहुत सारा पैसा सबको चाहिए, तो सबको बताइए कैसे देख सकते हैं, और अगर आपके हाथों में वो धन की रेखाएं नहीं है तो किस तरीके से रेमेडीज कर कर अपनी लाइफ में उसको और बेहतर कर सकते हैं, दोनों ही आज आप बताइए। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्टार साइन फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ, आई एम अ पामिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। तो आज जो टॉपिक हमें करना है वो तो क्या है, मनी के बारे में। वो तो सभी को पता है कि आज हम धन योगा पढ़ेंगे, लक्ष्मी योगा, महालक्ष्मी योगा, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्यों पामिस्ट्री हमें सीखना चाहिए और क्यों हम हाथ से देखें ये योगास? हमारे पास कितनी सारी मोडालिटीज हैं, हम हर चीज से प्रिडिक्शन कर सकते हैं ऑलवेज से। और आप जिस फील्ड में एक्सपर्टीज ले लेते हैं उस फील्ड से आपकी बेस्ट प्रिडिक्शन आती है। बट पामिस्ट्री भी उसमें से एक मोडालिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है, आप बोर हो रहे हो, कभी ऐसे बैठ जाओ और देखने लगो कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आज ऐसा क्या है स्पेसिफिक कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरी लड़ाई हो गई, क्यों मेरी बार बार लड़ाई होती है, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हाथ एक मैप है, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, उसे वर्ल्ड के मैप पे डाल दिया। आज आप ग्लोब देखते हैं, मैप देखते हैं, तो आपको सब कुछ पता है कौन सा देश कहाँ है, कौन सा बॉर्डर किससे अडजॉइनिंग है, क्या है। योर हैंड इज ऑल्सो अ मैप जिसमें आपके सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और उसे कैसे डिस्कवर आप कर सकते हैं। योर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एवरी थिंग इज इन योर हैंड। और ये सारी चीजें आप खुद सीख सकते हैं, किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, रेमेडीज कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उससे बेटर होता है कि खुद को सेल्फ इक्विप करें विद गुड नॉलेज। जितना हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, जितना हम अपनी नॉलेज पे वर्क करते हैं, वो हमेशा साथ में रहती है। मनी आ जा सकता है, रिलेशनशिप्स में गड़बड़ हो सकती है, बट नॉलेज ऑलवेज स्टेज। कभी कुछ लाइफ में गलत हो रहा है ना, तो डेस्परेशन में या फिर बहुत ज्यादा रश में किसी और को कॉल करने से बेटर है, बैठे शांति से, कोई डिटेल किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपना हाथ अपने सामने लाइए, पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, रिलेट कीजिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है, एंड देन आपको उसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे आज। एनर्जी एक्सचेंज मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही है कि आप सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, सो दैट आई फील मोटिवेटेड, जिससे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। बस अगर इतना एनर्जी एक्सचेंज आज के वेबिनार का आप कर देंगे, देन आई प्रॉमिस यू इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको दिखाती हूँ और एंड तक रहिएगा, बिकॉज हम शाहरुख खान, अक्षय कुमार ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज के हाथों में जो योग मैं बताऊंगी वो देखेंगे भी, एंड कुछ कॉमन पैटर्न्स आप देखेंगे, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये हैं, कैसे ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं अभी सबसे पहले क्या करती हूँ, अपनी स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है। वेल, पामिस्ट्री कैसे ओरिजिनेट हुआ ये सब कुछ हमने कल के वेबिनार में डिस्कस किया था, क्या इसकी हिस्ट्री है ये सब कुछ आप लोगों को पता चल सकता है अगर आप एक बार कल के रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मनी लाइंस, ओके, मनी लाइंस इन योर हैंड। अब ये किसी का हाथ है, अभी क्या है, ये एक ब्लैंक हाथ है। पहले क्या होता है, हमारी सोल बनती है, उसके ऊपर बॉडी आती है। तो ये वैसी सोल है जिसके ऊपर एक बॉडी आ चुकी है, फ्लैश आ चुका है। अब भगवान क्या करते हैं, हमारे कर्मा के हिसाब से, हमारे संचित कर्म के हिसाब से, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से इसके अंदर लाइंस और चीजों को फिल करना शुरू करते हैं। तो सब कुछ तो अभी हम नहीं समझ पाएंगे। कल मैंने आपको बताया था ये होती है हमारी मर्क्यूरी की फिंगर, ये होती है हमारी सन की फिंगर, ये है हमारी सैटर्न की फिंगर, ये है हमारी जुपिटर की फिंगर, दिस इज योर थंब, ठीक है? इनमें फैलेंजेस होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। एक ये मेजर लाइन होती है हमारी लाइफ की लाइन, यहाँ से आती है हमारी हार्ट की लाइन, एक होती है हमारी माइंड की लाइन, ठीक है? अब इनमें अलग अलग तरह के वेरिएशंस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब कुछ हम क्लास में पढ़ते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि इसने ट्रेड अपने मदर से लिए, फादर से लिए है, ये पर्सन प्रैक्टिकल है नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं, ठीक है?
लेकिन आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे। अब ये मैंने आपको बोला, ये है हमारे माइंड की लाइन। हो सकता है ये हार्ट से जुड़ी हुई हो सकता है ये लाइफ लाइन से जुड़ी हुई हो, कुछ भी वेरिएशन इसमें पॉसिबल हो सकता है इस लाइन में। सपोज करते हैं कि हमारी जो ये माइंड की लाइन है, ये इस तरह हमारी लाइफ लाइन से निकल रही है और ये यहाँ पे आके स्प्लिट हो रही है, ठीक है? तो हमारे पास हमारा फर्स्ट केस क्या हो गया, जो हमारे माइंड की लाइन है वो क्या हो रही है, वो स्प्लिट हो रही है। ओके, ये माइंड की लाइन स्प्लिट हो रही है। और कल हमने माउंट्स पढ़े थे, तो ये जो फिंगर्स होते हैं इनके नीचे माउंट्स होते हैं, अब ये हमारी स्प्लिट हो रही है। ये जो हमारा जुपिटर का माउंट है प्लस जो हमारा जुपिटर का माउंट है, अगर ये थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग है, मतलब बाहर निकला हुआ है। कल मैंने बताया था माउंट मतलब माउंटेन का शॉर्ट वर्जन होता है। तो माउंटेन कैसा होता है, ऐसे ऊपर उठा हुआ होता है, राइट? रोड पे कुछ ऊपर उठा हुआ होता है वो क्या होता है, माउंटेन होता है। तो थोड़ा सा ये ऐसे उठा हुआ है, साइडवेज करके अपना हाथ देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये उठा हुआ है। आपकी जो माइंड की लाइन है वो कहीं पे आगे जाके स्प्लिट हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से हो सकती है। और जो आपकी मर्करी की फिंगर है, ये कैसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, स्पैटुला हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। ये थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए, शार्प, ओके? थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए, विच मीन्स ये थोड़ी सी कोनिकल होनी चाहिए। अगर ये तीन कॉम्बिनेशंस आपको दिख गए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राज योगास। अब देखिए, राज योग का मतलब ये नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको तो पैसे पैसे दिखते रहेंगे, आप जहाँ हाथ डालेंगे वहां पे पैसों का रेन हो जाएगा। नो, राजा कैसा होता है, राजा की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, राजा की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। बट राजा को ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ का स्ट्रगल कैसे, जस्ट गिव मी वन सेकंड, ओके? आपको ये पता होना चाहिए कि हमें हमारे राजयोगा को फलित कैसे करना है। अगर राजा को ये पता है, राजा अगर ये सोचेगा कि मैं तो राजा हूं, मैं किसी भी किंगडम को जाके अटैक कर दूंगा तो मुझे ये किंगडम मुझे मिल जाएगा, इज दैट पॉसिबल? नो, राजा ऑलवेज हैज टू बी वाइज, यू हैव टू वर्क विद योर माइंड ऑल द टाइम। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस किंगडम को अटैक करूं, कैसे करूं जिससे मेरा लैंड मेरा किंगडम बढ़ता जाए। किस्मत ने आपको राजा बना दिया, अब आपको अपना माइंड यूज करना है। तो ये वाला जो राजयोग होता है, ये हमें क्या कहता है, इन लोगों का माइंड बहुत शार्प है क्योंकि मर्क्यूरी फिंगर का रोल आ गया। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ये लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जीनियस माइंड होते हैं ये लोग। और ये लोग ना दूसरों को इजीली डिफीट कर सकते हैं। बिजनेस भी होगा ना, कोई भी बिजनेस हो, यूपीएससी के लिए बिठा दीजिए इन्हें, आईएएस की तैयारी के लिए बिठा दीजिए इन्हें, ये हर कॉम्पिटिशन में हर जगह पर किसी भी पर्सन को इजिली डिफीट कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या है, जो इन लोगों की कंपनी है दैट मैटर्स अ लॉट। आपने सुना है एक सड़ा हुआ एप्पल पूरे बास्केट के एप्पल्स को रॉट कर देता है। सो कंपनी मैटर्स अ लॉट। हमेशा इन लोगों को अच्छी वाइज कंपनी में रहना चाहिए। अगर इनके अराउंड जो लोग हैं, जिन लोगों को ये चूज कर रहे हैं, अगर वो लोग ऐसे हैं जो उतने वाइज नहीं है, उतना पुश नहीं देते हैं, बैड हैबिट्स में रहते हैं, तो ये राजयोग फलित नहीं होता है। इसलिए किस इस राजयोग को एक्टिवेट करने के लिए, अगर आपके हाथ में ये बन रहा है या आपके बच्चों के हाथ में या आपके किसी क्लोज पर्सन के हाथ में अगर ये बनता है, देन प्लीज बी अवेयर कि वो अच्छे लोगों से सराउंडेड रहें, सो दैट हमेशा वो ऊपर और ऊपर ही जाएंगे। तो ये था हमारा पहले तरीके का राजयोगा। आई होप मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ उतना सिंप्लीफाई करके मैंने बताने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट तरीके का राजयोगा। थम्स अप करके दिखा दीजिए, सब लोगों ने फॉलो किया है, समझ में आया है? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा शुरू में ना अपने हाथ को अंडरस्टैंड करने में कि मेरा कौन सा माउंट कहाँ है। थोड़ा सा इश्यू आता है वो जब हम क्लास में करते हैं तो हमें उसकी क्लैरिटी मिलती जाती है।
अब चलिए, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट तरीके का राजयोग देखते हैं। अब नेक्स्ट जो राजयोग है वो क्या होता है? मैंने आपको बताया ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, ये हो गई कहीं आपकी माइंड लाइन, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। ओके, अब हमारे पास हाथ में एक और लाइन होती है जिसको बोलते हैं फेट लाइन। ओके, अब इसको बोलते हैं फेट लाइन। फेट लाइन क्या होती है? जो आपका हाथ है, हाथ कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से आपका हाथ जो है वो शुरू होता है। ऑल राइट, यहाँ पे ये लाइंस, अगर आप लोगों को मेरे हाथ में ये लाइंस कुछ दिख रही हैं, सो दीज लाइंस, दीज आर कॉल्ड योर ब्रेसलेट्स। अब अगर आपको दिख रहा है यहाँ से फेट लाइन आ रही है, ठीक है, तो अगर आपके ब्रेसलेट से अगर आपकी फेट लाइन आती है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ सो दैट आप लोगों को इसमें और क्लैरिटी मिल जाए। अगर ये जो फेट लाइन है ये सीधा यहाँ ब्रेसलेट से, मतलब अगर ये फेट लाइन निकल के आ रही है यहाँ नीचे से अगर आ रही है, और ये है आपका हाथ में सैटर्न माउंट, सीधा ये सैटर्न के माउंट तक जा रही है, प्लस इसमें त्रिशूल बन रहा है, ठीक है, इसमें बन रहा है त्रिशूल। अभी नीचे से आ रही है ऊपर तक जा रही है, और इसमें क्या बन रहा है? इसके अंदर बन रहा है आपके पास त्रिशूल। तो इसमें क्या मतलब होता है? ये भी एक तरीके का राजयोग होता है। ये त्रिशूल बनना बहुत जरूरी है इसमें, अगर ये त्रिशूल बनता है। अब इसमें क्या है, अगर ये लोग सैटर्न से रिलेटेड कुछ काम करें, जैसे लोहे का इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का काम करें, ऑटो पार्ट्स का करेंगे, रियल एस्टेट का काम करेंगे, और बहुत एथिकल होके डिसिप्लिन में चलेंगे, इनको इतना प्रोग्रेस मिलेगा, इतना प्रोग्रेस मिलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। अगर फील्ड बिल्कुल गलत चूज कर लिया तो ये राजयोग हो सकता है कि फलित इनका नहीं हो पाए। दैट इज वाई जेमस्टोन से रिलेटेड हो, मार्बल से रिलेटेड हो, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सैटर्न अगर ये काम करेंगे, फॉरेन ट्रेड का भी इनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है ये। अब इसमें हमें क्या देखना है, अगर सपोज ये जो लाइन है नीचे से नहीं आ रही है, ठीक है, आपकी फेट लाइन एकदम नीचे से नहीं शुरू हो रही है, कहीं से भी आपकी फेट लाइन शुरू हुई और यहां तक गई सैटर्न के माउंट तक, और एक जो हमारी फेट लाइन है वो यहाँ पे आ गई, थोड़ी सी आ गई वो जुपिटर तक, ठीक है, थोड़ा सा उसमें बाइफर्केशन हो गया जुपिटर तक, तो इसमें क्या बोला जाता है? लिव लाइफ किंग साइज। इन लोगों को ना मेटीरियलिस्टिक चीजों से प्यार बहुत ज्यादा होता है, इन्हें हर चीज कैसे चाहिए, टॉप नॉच, सारी चीजें इन्हें क्रीम लेयर चाहिए, सब कुछ इन्हें चाहिए एकदम एकदम टॉप नॉच। अगर फेट लाइन कहीं से भी स्टार्ट हो, सैटर्न माउंट तक जाए, एक लाइन जुपिटर पे आ रही है और एक लाइन मर्क्यूरी पे भी सॉरी सन पे भी आ रही है, ठीक है, त्रिशूल तो बनना ही है। इन दोनों केसेस में डिफरेंस समझिए, पहला डिफरेंस है हाथ के बेस से लाइन आई एंड अ त्रिशूल इज फॉर्म, सेकेंड इज की लाइन कहीं से भी आई लेकिन ये त्रिशूल फॉर्म हो गया। तो अब इन लोगों को लग्जरीज चाहिए, इन्हें सारी लाइफ किंग की तरह चाहिए, ये लोग अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, मेटीरियलिस्टिक चीजों से इनको प्यार होता है, और कितनी बार क्या होगा, ये लोग काम नहीं चूज करेंगे, काम इनको चूज कर लेगा। अब ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे लोग एक्टर्स बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत बार होता है अपने एक्टर्स के इंटरव्यू सुने हैं, या एक्टर्स को छोड़िए अपनी लाइफ में भी कितनी बार आपने लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो बोलेंगे पता नहीं भगवान हाथ पकड़ के ले आए हमें। सो मेनी टाइम्स हम में से भी बहुत लोग होंगे, आज जितने सारे लोग हम साथ में हैं तो हम में से भी कितने सारे लोग होंगे जो बहुत शायद आज सक्सेसफुल पोजिशन पे हैं, और अगर पूछा जाए आपसे आप कैसे पहुंचे, कभी कभी होते हैं आप बोलते हैं हमें खुद नहीं पता कैसे पहुंचे, हमें तो किसी ने चूज कर लिया, क्योंकि एक्टर्स के इंटरव्यूज हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। तो मैं इसलिए बॉलीवुड का एग्जाम्पल बहुत देती हूँ, आपने सुना होगा कि मैं मेरी फ्रेंड ऑडिशन के लिए जा रही थी, मैं तो ऐसे ही खड़ी हो गई उसके साथ, मैं चूज हो मैं सिलेक्ट हो गई, वो नहीं सिलेक्ट हुई, तो फेट आपको चूज कर रही है इस केस में, राइट? दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ योगा। आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट तरीके का राजयोग अब हम सीखते हैं। नाउ वी कम टू थर्ड टाइप ऑफ राजयोगा। ओके, तीसरे तरीके का जो हमारे पास ये राजयोग होता है। अब ये क्या राजयोग होता है? इस राजयोग में होता है कि जो हमारी सन फिंगर है, ये है हमारे सन की फिंगर,
यहाँ तक सब लोग समझ गए कि ये कौन सी फिंगर है, हमारी सन की फिंगर है, ठीक है। जो हमारी, अगेन मैं बना देती हूँ, ये हार्ट लाइन हुई हमारी, ये माइंड लाइन हुई हमारी, ये हो गई हमारी लाइफ लाइन। अब जो आपके सन की फिंगर है वो सीधा आके आपके माइंड लाइन को टच कर रही है, ये दिस इज योर सन माउंट। इस माउंट से निकलती हुई फिंगर, अगर आप लोगों को माउंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कल का लेक्चर सुन सकते हैं, जो कल हमने फ्री क्लास कंडक्ट की थी, उसमें माउंट्स की पोजीशन, प्रैक्टिकली कैसे माउंट को आइडेंटिफाई करना है, सब कुछ मैंने बताया था। जब आप अपनी सन की फिंगर से ऐसे टच करते हैं अपने हाथ को, विशालिनी जी आपका थोड़ा टेंशन मेरे पास, जब आप अपने इस फिंगर से ऐसे टच करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ जो टच हो रहा है दिस इज योर सन माउंट। अब यहाँ से अगर कोई लाइन निकल के आ रही है आपके पास जो आपके माइंड लाइन को टच कर रही है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, ये लोग थोड़ी सी ईगोइस्टिक हो जाएंगे, राइट, नॉनसेंस को ना टॉलरेट नहीं कर सकते हैं ये, दे आर नो नॉनसेंस पीपल, दे कांट टॉलरेट नॉनसेंस। बहुत अच्छा योगा है, ट्रस्ट वर्दी होंगे, रिलायबल होंगे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सन इज द सीईओ, सन इज ऑलवेज द बॉस, सन को किसी प्लैनेट के पीछे घूमने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उनके अंदर ईगो होता है, उनको ना बेकार चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं पसंद, सीधा क्लियर स्ट्रेट ऑनेस्ट, वो इस ही एक चीज पर बिलीव करते हैं बस, राइट। तो ये लोग ना नॉनसेंस नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा योगा है, ट्रस्ट आप इन्हें इजीली कर सकते हैं, किसी भी बात के लिए अपनी आप इन्हें टोटली टोटली ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी इंसान की स्ट्रगल को देखेंगे, उस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और उससे सक्सेसफुल हो जाएंगे, या आपका फेलियर देखेंगे उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसका केस स्टडी करेंगे और खुद में पॉपुलर हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो ये लोग कर लेते हैं वेरी इजिली, तो इसलिए अगर ये इस तरह का योगा है तो ये राजयोग है, बट इस राजयोग को एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसे फलित कैसे किया जाता है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। नाउ सिंस ये सन से बन रहा है डायरेक्टली राजयोग, तो ये लोग किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकते हैं, दे कांट वर्क अंडर एनी बडी। अगर आप इन्हें बोलेंगे कि किसी के अंडर ये लोग काम करें और उसके बाद ये लोग किसी के ऑर्डर्स ले, किसी के इंस्ट्रक्शंस सुने, तो वो सन की आपने पूरी प्रॉपर्टी को निगेट कर दिया और उनका राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा, उन्हें हमेशा लगेगा राजयोग 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 सब बताते हैं, वो राजयोग है कहाँ, मेरे हाथ में दिखता, मेरे हाथ में, लेकिन उसका रिजल्ट किसको मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, हमें हमारी योगा तो अंडरस्टैंड करने होते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये समझ में आना चाहिए कि उस योगा को हम एक्टिवेट कैसे करें। सन और मून अगर आपका खराब है तो आपका कोई योगा आपका साथ नहीं देता है, वैसे भी ये एक जनरल टिप है जो आई थिंक मैं अपने मोस्टली क्लासेस में भी बताती हूँ, इसलिए आप किसी के भी पास जाते हैं बिना कुछ देखे सबसे पहले लोग बोल देते हैं कि सूरज को जल दीजिए हमेशा, ऑल राइट। तो अगर ये लोग खुद का काम करें, खुद से करें, सेल्फ एम्प्लॉयड रहें, तो ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। अब सेकेंड कुछ और छोटे छोटे योगाज भी होते हैं, जैसे ये जो आपकी लाइफ लाइन है, दिस लाइफ लाइन अगर ये यहाँ पे बाइफोकेट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो फोक हैं, विच मीन्स जो आपके पेरेंट्स हैं, अब ये भी एक तरीके का राजयोग है, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं ना उनसे दूर रहकर जब आप काम करेंगे तब आपको सबसे ज्यादा इस केस में सक्सेस मिलती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज अगर आप अपने नेटिव लैंड से भी दूर जा सकते हैं, अगर आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन लैंड में, तो आपको सक्सेस बहुत बहुत ज्यादा मिलेगी, राइट। इन दैट केस आपको इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ये देखिए जैसे फोकस नहीं हो रहा, आई थिंक मेरा हाथ उतना फोकस नहीं हो रही है, सर दिखाई दे रही है मेरी, नहीं दिखाई दे रही है, चलिए एनीवेज मैं अपने हाथ पे फिर नहीं दिखाती हूँ। ये भी एक तरीके का राजयोग होता है। अब नेक्स्ट राजयोग जो होता है, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल अगेन, नेक्स्ट राजयोग, नेक्स्ट मनी का जो पॉइंट है वो आप लोग कैसे देख सकते हैं, ये आपका, अभी देखिए ये आपकी लाइफ लाइन होती है, ठीक है, ये आपकी लाइफ लाइन आई कहीं पे यहां से, ओके। ये आपका मार्स का माउंट होता है, ये आपका वीनस का माउंट होता है,
ये भी आपका एक मार्स का, ये आपकी हार्ट लाइन आई, ये आपकी माइंड लाइन आई, तो ये भी एक आपका नेगेटिव मार्स का माउंट होता है, ये आपका मून का माउंट होता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो हम धन योग देखते हैं वो कैसे देखते हैं कि जो हमारी फेट लाइन है मून से आके, मून से ना कहीं एक ऐसी कोई लाइन आ रही है जो बीच में ऐसे रुक रही है, अटक रही है, ठीक है, मून से आ रही है कोई लाइन, तो इसमें क्या होगा, ऐसे वाले योग में क्या होगा, आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा। आप ट्रैवल करेंगे यू विल एंजॉय, और छोटा मोटा ट्रैवल नहीं होगा, लग्जरी ट्रैवल, आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करेंगे आप, एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ राजयोग। इसमें भी आपको मनी, नेम, फेम, इस तरह की सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट इज वॉट, अगेन आई विल गिव इट वन मोर ट्राई, अगर आप लोग देख सकते हैं ये मून का माउंट है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से लाइन निक सॉरी ये मून का माउंट है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से ये लाइन निकल के आ रही है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो, अगर उतना क्लियर फोकस हो रहा है तो, ठीक है, क्लियर तो यहाँ नहीं से है लेकिन अगर, मैडम हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं जैसे लाइन निकल के आ रही है, इस तरह से अपनी हैंड में ना लाइन्स ढूंढिए, और देखिए छोटी 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 लाइन्स तो हमारे हाथ में बहुत सारी होती हैं, आपको फोकस करना है कि थोड़ा सा प्रोमिनेंटली आपको कुछ उसमें दिखाई दे, क्योंकि क्या होता है, आई ऑलवेज से जब एक डॉक्टर डॉक्टर की पढ़ाई करता है ना, तो उसको लगता है, उनको लगता है कि सारी डिजीजेस मेरे ही अंदर हैं, एंड दिस मैकेनिज्म इज दिस इज कॉल्ड समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो उनको लगता है सब चीजें मेरे अंदर हैं, तो जब हम नया नया देखते हैं ना, हमें लगता है नहीं मेरे पास ये भी लाइन है वो भी लाइन है, कुछ नेगेटिव देखेंगे तो लगेगा नहीं मेरा भी यहाँ से कट है मेरा वहां से भी कट है, सो बी लिटिल वाइज, जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, जब हम केस स्टडीज करते हैं, जब हम अलग अलग हाथों को देखते हैं ना, तब हमें क्लैरिटी आती है कि अच्छा नहीं ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन सिर्फ मेरा इल्यूजन है, बट ये लाइन रियल में मेरे पास नहीं है। नाउ अगेन हम चलते हैं मेरे स्क्रीन पे, और अब हम देखते हैं और तरीके के कुछ योगास भी, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट इज वॉट, आपकी जो फेट लाइन है, आपकी ये फेट लाइन आई यहाँ पे, और यहाँ से एक लाइन चली गई यहाँ मर्क्यूरी के पास, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है कुछ, ये आपकी लाइफ लाइन है। अब ये देख रहे हैं आप, एक तो आपकी लाइन यहाँ और यहाँ दोनों जगह चली गई, दूसरा क्या हुआ, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये जो ट्राइंगल होता है आपके हाथ में कहीं पे भी अगर ट्राइंगल बनता है, इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग यू, इट इज केपेबल ऑफ, जस्ट केपेबल ऑफ चेंजिंग योर लाइफ इनटू समथिंग एल्स। और इसी के लिए अगर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए क्योंकि गूगल पे से देखना होता है तो हमें बहुत क्लियर इमेजेस नहीं मिलती हैं, बट जितना मैं आपके लिए जूम करके देख सकती थी, कोई इमेज मैंने दी है, आप ये देखिए शाहरुख खान की लाइन को, यहाँ से आई इनकी फेट लाइन, ठीक है, ये देखिए ये पूरी जा रही है, जब आप पिक्चर को प्रॉपरली देखेंगे ना आपको पता चलेगा, ठीक है, ये लाइन जा रही है, ये फेट लाइन इधर भी जा रही है, देखिए एक प्रॉपर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और भी इनके हैंड में लाइंस है, क्योंकि मैंने आपके लिए जूम किया है ना, तो वो चीज पिक्सेलेट हो गई है थोड़ी सी। इनके लाइफ लाइन में देखिए, पहले लाइफ लाइन यहाँ तक आई, उसके बाद ब्रेक आ गया, फिर दोबारा लाइफ लाइन और फेट लाइन इस तरह से मिल गई, तो लाइफ लाइन में ब्रेक आ गया, बट ही इज आई थिंक ऑलमोस्ट 60, तो क्या इनकी लाइफ छोटी है, नहीं, इसका मतलब इस एज पर जहाँ पे ब्रेक आया है, इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जिसकी वजह से बहुत परेशान हुए होंगे, एंड आई थिंक वी ऑल नो अबाउट शाहरुख खान, इसीलिए मैंने शाहरुख खान की केस स्टडी को पिक किया है यहाँ पे, सो दैट यू ऑल कैन रिलेट, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, ही हैड नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच उन्होंने स्टार्ट किया, इज कम्प्लीटली सेल्फ मेड, तो एक ऐसा ब्रेक आया जब उनके पास कुछ नहीं था, मनी भी नहीं था, पेरेंट्स भी नहीं थे, ही हैड वन सिस्टर, एंड वो अपने इंटरव्यूज में खुद कहते हैं उनकी सिस्टर ये सारी चीजों से ट्रॉमेटाइज होके डिप्रेशन में चली गई, तो सिस्टर के फॉर्म में भी उनके पास सपोर्ट नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस उनकी, एंड देखा आप लोगों ने उन्होंने किस इस लाइफ में क्या से क्या कर लिया, शाहरुख खान के हैंड में, और बहुत सारे साइंस हैं, बहुत सारी साइंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा इमेज नहीं दिखा पा रही हूँ, देखिए जो इनकी हार्ट लाइन है, बहुत लोगों के हाथ में अपनी हार्ट लाइन कैसी देखी होगी, ऐसे कर्व देखी होगी, इनकी हार्ट लाइन ऑलमोस्ट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रही है हार्ट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ,
किसी भी तरह का प्रेशर आएगा, दिस पर्सन कैन हैंडल दैट स्ट्रेस, दिस पर्सन कैन हैंडल दैट प्रेशर. जो प्रेशर एक बॉलीवुड एक्टर, एक सेलिब्रिटी गो थ्रू करता है, इज इट इजी कि हम लोग वो प्रेशर झेल पाए? क्या हम सब उतना काम का प्रेशर, 2-2 घंटे सो के काम कर सकते हैं? बिना छुट्टी लिए हम काम कर सकते हैं? अपनी फैमिली से इतने मंथ्स, इतना इतना टाइम दूर है कि हम काम कर सकते हैं? नो. एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया एकदम से, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, नॉट रिलेटेड टू मनी. देखिए, जो हमारा थंब है ना, हर जगह पे ना 3 फैलेंजेस होते हैं. अब ये थंब में भी ऐसे देखेंगे ना, तो 3 फैलेंजेस होते हैं, ठीक है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. जिन लोगों का ये वाला फैलेंज बहुत छोटा होता है, जिन लोगों का ये वाला फैलेंज बहुत ज्यादा स्मॉल है, आउटसाइड मैरिज, फिजिकल रिलेशनशिप वो लोग मल्टीपल लोगों से बना लेते हैं विदाउट एनी गिल्ट, ये उनका टेंडेंसी होता है. अब इस चीज को आप बहुत सारे लोगों के हाथ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने अराउंड बहुत लोगों के हाथ में ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये एक ऐसी चीज है विच ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं नहीं बोलना चाहूंगी कि किसके हाथ में किसके हाथ में नहीं है, बट आई थिंक आप लोग क्लियरली देख सकते हैं और आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. बहुत छोटा होगा थर्ड फैलेंज अगर थंब का. अक्षय कुमार का हाथ देखिए, क्लियरली आपको दिख रही है फेट लाइन है, जो यहाँ सैटर्न से शुरू हो रही है और पूरी ऊपर जा रही है, और एक क्लियर लाइन है जो यहाँ मर्करी पे जा रही है, और एक क्लियर ट्राइंगल भी बन रहा है, ट्राइंगल भी बन रहा है एंड लाइन भी जा रही है. एंड इनके हाथ को आप और क्लोजली देखेंगे ना, तो इनके हाथ में त्रिशूल भी बनता है पूरा. अगेन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू अ जूम्ड वर्जन ऑफ हिज हैंड, इसलिए वो पिक्सेलेट हो गया है. तो आपको पता चला मनी तो आया, लेकिन मनी कैसा आया? मनी आया है विद नेम एंड फेम. सिर्फ मनी आना इम्पोर्टेंट नहीं है, मनी विद नेम एंड फेम के साथ भी आया है. अगर आपकी फेट लाइन सैटर्न और मर्करी दोनों पे जाती है, तो इसे ही हम लक्ष्मी योगा कहते हैं. अगर आपके हाथ के यहां से शुरू होके लाइन पूरी जाती है, तो इसे हम महालक्ष्मी योगा कहते हैं. इतने सारे राजयोग आपने पढ़े हैं. किसी किसी के हाथ में ना आप एक बहुत ही रेयर साइन देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कुछ साइन देख सकते हैं किसी के हाथ में, ये तराजू का साइन, ठीक है? अगर आपको ऐसा पूरा साइन मिल जाता है, देखिए, दीज ट्राइंगल्स आर वेरी ऑस्पिशियस व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, वेरी वेरी ऑस्पिशियस दीज ट्राइंगल्स आर. अगर आप किसी के हाथ में इस तरह का साइन देखते हैं ना, इट मीन्स उस पर्सन के पास बहुत मनी है. आज के टाइम पे हमारे पास कौन से प्लैनेट्स हैं, और जिस प्लैनेट के ऊपर आप ये तराजू का साइन देखेंगे, वो प्लैनेट आपको वो योग देगा. उस प्लैनेट की थोड़ी सी पूजा कर लीजिए और उसको और इनहेंस कर दीजिए. आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पैसे ऐसे 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 से आपके पास आने लगेंगे. बहुत सारी चीजें होती है जो हम हाथ में देख सकते हैं. हाथ आपका पूरा मैप है, पूरा मैप. एक दुनिया का नक्शा देखा है मैंने, और एक हाथ में हमारे पूरे लाइफ का नक्शा होता है. आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबकॉन्शियस सब यही है, और ये लाइंस तो चेंज भी होती है टाइम पीरियड में. कोई भी प्रॉब्लम है ना, बोलते हैं ना कि आपका आपका मिरर में जाके देखो, आपको रियल पिक्चर दिखती है. आपका हाथ आपका वो मिरर है, उसमें आप जाके देखेंगे ना, आपको सारी चीजें क्लियरली उसमें दिखाई दे दे जाती हैं. ये आपकी जर्नी है जो आप एम्ब्रेस कर सकते हैं, एंड यू कैन डिस्कवर योर सेल्फ. अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं, एज अ हॉबी आप सीख सकते हैं, एज अ प्रोफेशन आप इसे सीख सकते हैं. आज के टाइम में हमें पैसे देने वाले कौन से दो मोस्ट प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हैं? आई ऑलवेज से वीनस एंड राहु. अगर वीनस प्रोट्रूडिंग है ना, वीनस अच्छा है, कलर अच्छा है, अगर उसका पिंक पिंक कलर हाथ का सबसे बेस्ट कलर होता है, ठीक है, अच्छा कलर है, अगर आपको बहुत पैसा मिलेगा. राहु अच्छा है, जुपिटर इस टाइम में इस जगह पे, ये हमारा कलयुग का टाइम है, ठीक है? पुराने टाइम के जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो 150 ईयर्स, 200 ईयर्स तक जीते थे. हमारे पास लाइफ में इतना टाइम नहीं है. क्यों नहीं है लाइफ में इतना टाइम? क्योंकि हमें लाइफ ने इतना टाइम नहीं दिया हमारी कर्मों की वजह से. अभी भगवान क्या कहते हैं, जाओ जल्दी 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 हिसाब अपना चुटा करो, वापस आ जाओ, फिर से दूसरे बर्थ के लिए रेडी होके फिर से भेज देते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस बर्थ में अब हम कितने टाइम तक, तो हम समझेंगे पहले बड़े होके कि कर्मा थियरी भी कुछ होती है, फिर हम कर्मा पे वर्क करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, तब तक तो बाय बाय का टाइम आ जाता है हमारा. इसलिए हमें गुरु दिए गए हैं इस बर्थ में. गुरु की पूजा करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि गुरु
भगवान हो गए कौन, मोदी जी हो गए, गुरु कौन हो गए जो हमारे एमएलए हो गए। अगर कोई काम मेरा एमएलए से निकल सकता है तो मैं मोदी जी को क्यों परेशान करूंगी जाके। तो इसलिए अगर आप गुरु से पूजा करते हैं ना, गुरु डायरेक्टली आपका कम्युनिकेशन कनेक्शन करा देते हैं। तो जुपिटर जो है इस टाइम पे वो एक ऐसा प्लैनेट है, शादी हो, बच्चा हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जुपिटर सब कुछ ठीक कर देता है। अगर प्रोमिनेंट जुपिटर भी है ना, पैसा आपको भर भर के मिलता है, कभी आपको पैसों की कमी नहीं आएगी। इवन आपके थंब पे भी कुछ साइंस होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि हमें मनी किस तरह का मिलेगा। वन सेकेंड, मुझे स्क्रीन से रिमूव करने दीजिए, तो मैं आपको फीनिक्स आई सिखाती हूँ। बहुत छोटा 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 सिखा रही हूँ मैं, और मैं आपको अभी मतलब मुझे आई वॉन्ट टू टीच यू रेमिडीज ऑल्सो कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कहीं पे जाके लाइन ऐसे नहीं बन रही है, कहीं पे लाइन अगर कट हो रही है तो हमें कैसे पता चले। मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू टीच यू, बट टाइम क्योंकि इतना नहीं रहता है तो मैं आपको लिमिटेड ही बता सकती हूँ। ओके, अभी जो थंब है ना, मैंने आपको बोला यहाँ पे फैलेंजेस होते हैं, ये तो थंब एंड हो गया, ये एक फैलेंज हुआ, ये दूसरा फैलेंज हुआ। अब सेकेंड फैलेंज पे एक चीज होती है विच इज कॉल्ड द फीनिक्स आई। अगर ये फीनिक्स की आई ऐसे पूरी बन रही है, अगर इस तरह से बन रही है, ये और ये दोनों पूरा जॉइंट है, भर भर के पैसे मिलेंगे, शादी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अप्स डाउन आएंगे लेकिन अच्छी शादी चलेगी, बच्चे भी मिलेंगे आपको। बस एक प्रॉब्लम क्या होती है, अपनी मेहनत करेंगे, मेहनत से पैसे कमाएंगे, और एक पॉइंट के बाद लाइफ में ना पैसे इतने ज्यादा होंगे कि आपकी जितनी भी लग्जूरियस विशेज है, आपकी जितनी भी डिजायर्स है, वो आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों के साथ एक ही ड्रॉबैक होता है। देखो, भगवान हमेशा कुछ अच्छा देता है ना, तो साथ में हमें टेस्ट जरूर करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि किंग को किंगडम दिया, लेकिन पूरा टेस्ट लेके देते हैं वो, कि आपको अपने विजडम से ही आप उसको सस्टेन कर पाओगे। भगवान ने दे दिया बट आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना तो लूट जाओगे। किंग कब रोड पे आ जाए वो पता ही नहीं चलेगा। तो फीनिक्स आए दे दी गॉड ने। अब टेस्ट क्या है, ये लोगों के पास एक वीकनेस होती है कि ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत कंपनी में आ जाएंगे ये लोग, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बीच बीच में खो जाएंगे, जोन आउट हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट बिल्डिंग देयर ओन कैसल्स इन द एयर, ये सारी चीजें इनके साथ होने लगेंगी। तो हमें ऐसे में क्या करना होता है, अगर इनके पास अच्छी कंपनी है, या अगर आपको पता है कि मेरे पास ये बनता है लेकिन ये मेरी वीकनेस है, अगर मैं आपको बता दूं कि ये आपकी वीकनेस है, लेकिन देखो आप करोड़पति बन सकते हो लेकिन ऐसे मत करना, आपको अगर ये बात अपने अंदर समझ आ जाए तो क्या आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर लेंगे? येस, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट? तो बस यही है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट इतना हो जाता है कि टाइम चला जाता है सक्सेस का, और फिर बाद में बोलेगा कोई आपके में, आपके पास तो धन का योग है, तो बोलेंगे वो धन गया कहाँ, योग तो है हाथ में लेकिन वो धन गया कहाँ, किसके पॉकेट में गया, वो ही ढूंढते रहेंगे। सेकेंड केस क्या हो सकता है आपका फीनिक्स आई में, ये जो आई ऑफ फीनिक्स है ये ऐसे है और बहुत छोटा सा ये आइलैंड इसमें क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास पैसे आएंगे लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। इट इज एज गुड एज, हम सबको ऐश्वर्या राय चाहिए, बट जिनके पास ऐश्वर्या राय है शायद उनको लगता है कि नहीं, शी इज नथिंग, शी इज नोबडी, है ना, न्यूज आती रहती है कि उनमें प्रॉब्लम चल रही है। अभी आज यहाँ पे कितने बॉयज हैं, हमें ऐश्वर्या राय से मिलने का भी चांस मिल जाए तो हम बहुत खुश नहीं हो जाएंगे? इट विल बी अ मेमोरी वी विल चेरिश फॉर एवर। और जिनके पास वो 24/7 है, उनके डिस्प्यूट्स चलते हैं उनके साथ, सो यू नो नेवर हैविंग दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये प्रॉब्लम उनके साथ रहती है। सब कुछ आएगा उनके पास, बट 50,000 आएगा तो 60,000 क्यों नहीं आया, 60 आएगा तो 1 लाख क्यों नहीं आया, एंड सो ऑन। डिजायर्स का तो कोई एंड ही नहीं है, कंटेंटमेंट इन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस क्या हो सकता है, ये खुला हुआ है। अभी क्या होगा, पैसे थोड़े बहुत आ जाएंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पैसे आ जाएंगे, बट वो खुला हुआ है ना, बंद नहीं है उसका पेट, तो वो बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अब जब हमें अगर ड्रॉबैक पता है कि फीनिक्स आए मेरे पास क्लोज नहीं है, तो पैसे तो आए लेकिन चले कहाँ गए? ऐसे थोड़ी लेग्स थोड़ी होते हैं कि पैसे चले गए, आपने तो खर्चा किया है ना कि पैसे चले गए। सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ एवरी पेनी दैट यू आर स्पेंडिंग, व्हेन यू नो योर ड्रॉबैक्स यू हैव टू बी माइंडफुल। और इसीलिए आई ऑलवेज से कि हर साइंस को सीखने का फायदा होता है, एंड इट्स अ साइंस नॉट अ फ्लूक नॉट अ स्टोरी। बस हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। एक लास्ट केस और बताती हूँ आज के लिए, उसके बाद एंड कर देंगे क्योंकि बताने के लिए इतना कुछ है।
बट मैं आपको एक केस और बताती हूँ इसमें, अगर प्रॉपर्टी आपको लगता है कि मेरी बनेगी नहीं बनेगी क्या होगा उसमें, तो इन दैट केस वो आप कैसे जज कर सकते हैं। एक तो केस है आपके पास ये पूरा फिनिक्स बना हुआ है और आपके यहाँ पे ऐसे लाइंस हैं, इसका मतलब आप अपने पैसों से अपने प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे। सेकेंड क्या होता है, जो हम टाइम देखते हैं वो लाइफ लाइन से भी देखते हैं, ये आपकी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन पे ना जैसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स, अगर ओ माय गॉड, बार बार शाहरुख खान यहाँ जाते हैं, अगर इस पे छोटे 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 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ऐसे, तो ये जिस एज, ये जो टाइम लाइन में फॉल कर रहे हैं ना, उस टाइम लाइन से, वो टाइम लाइन में देखना सिखाती हूँ, तो उस टाइम लाइन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके इस टाइम में आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। एंड फीनिक्स आई में भी एक बहुत रेयर साइन है, लेकिन अगर कहीं मिल गया तो उनको, उस क्लाइंट को छोड़िएगा मत। आप बोलेंगे राजयोग है और वो क्लाइंट के पास इतना पैसा बरसेगा कि वो आपको एटलीस्ट 20 और लोग लाके देंगे रेफरेंस से, अगर फीनिक्स आई में नीचे ऐसा है एंड ऊपर चेन फॉर्म हो रही है। मिनिमम 3 चेन्स, मैक्सिमम ये कितने भी हो सकते हैं फॉर्म, मिनिमम 3 चेन्स। दिस इज द बेस्ट फीनिक्स आई, बेस्ट बट वन ऑफ द रेयर फीनिक्स आई केस। ठीक है, इस तरह से करना है। और हमेशा एक बात याद रखिए, व्हेन इट कम्स टू मनी, अभी तो हमने मनी को पूरा पढ़ा नहीं है, नेम फेम बहुत कुछ पढ़ना है, कैसे इनहेंस कर सकते हैं पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके पास ये चीजें हो। आपको पता है कि मेरे पास शायद उतनी अच्छी ये चीज नहीं है, लेकिन मैं इसको इनहेंस कैसे करूं, उसके लिए हमें ये पढ़ना है। हमें पता है मेरे पास ये चीजें हैं, लेकिन मैं उसको एक्टिवेट कैसे करूं, उसके लिए हमें इसे पढ़ना होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी पीपल से, अपॉर्चुनिटी नॉक से और डोर जस्ट वंस और मैक्सिमम ट्वाइस। आपने डोर नहीं खोला, द अपॉर्चुनिटी गोज अवे। ठीक है, भगवान ने किस्मत में लिखा है कि रोटी मिलेगी, तो रोटी बन जाएगी, लेकिन खानी तो खुद ही पड़ेगी ना उसे। तो पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए ना, अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या नहीं है। एंड इससे इजी क्या है, किसी से झगड़ा हो गया, उसके साथ कार में बैठ के ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इससे बेटर चीज क्या है कि वहां पे ध्यान ही नहीं दो, हाथ पढ़ने लग जाओ। किसी से आपकी क्यों नहीं बनती है, उसका हाथ देख लो एक बार में, कुछ पता चल जाएगा क्यों नहीं बनती है। एक बार हाई कर लो और फोटो खींच लो हाथ की, ठीक है, किसी भी तरह से हाथ देख लो, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ए टू जी इस साइंस से मिल सकते हैं। और जो चीज नहीं है उसको एक्टिवेट कर लो, जो चीज है उसे और अच्छा एनहांस कर लो। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक मॉलेस्टेशन का केस पढ़ाया था कि कैसे पता चलता है छोटे बच्चे में मॉलेस्टेशन हुआ। अगर आपने पहले ही अपने बच्चे का हाथ देख लिया उस तरह से, तो क्या आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गॉड ने हमें किस्मत दी है ना, किस्मत लेफ्ट हैंड में दी है, तो साथ साथ राइट हैंड भी दिया है, फ्री विल के लिए भी। लेफ्ट हैंड में आप लिखवा के लाए हैं, लेकिन अपने कर्मा से आप अपने राइट हैंड के लाइंस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हमें बहुत सारी फ्री विल मिली है, अगर संस्कार अच्छे और अगर अवेयरनेस अच्छे है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। इफ वी नो समथिंग इज गोइंग टू हैपन, शायद हम उसे कंप्लीटली रोक नहीं पाए, बट एटलीस्ट उसका इंटेंसिटी कुछ तो कम कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपकी फैमिली में किसी के साथ रॉन्ग इंसिडेंट हो सकता है, हम उन्हें पढ़ा सकते हैं व्हाट इज गुड टच व्हाट इज बैड टच। हमें पता है इस टाइम पे हो सकता है, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। देर आर सो मेनी थिंग्स जो हम होने से रोक सकते हैं, राइट? हम अपने लोगों की लाइफ में, अपने लाइफ में कितना कितना मैजिक ला सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट योर हैंड्स, नथिंग एल्स। कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है इसमें, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है इसमें, आपको कुछ नहीं चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए, जो है सब यहीं पे है। जब एक गर्ल, लड़की की शादी होती है, वो अपने हाथ ऐसे क्यू प्रिंट करके आती है घर पे, कि अगर उसके हाथ जो शुभ है वो लाइंस अगर घर पे लग गए, लक्ष्मी मानते हैं ना फीमेल्स को, वो क्यों ऐसे हाथ का छापा लगाती हैं कि अगर ये हम लक्ष्मी है, पायस है, प्योर फॉर्म है उस टाइम पे, तो वो लगा कि वो अपनी पॉजिटिविटी दे रही है उस घर को, कि जो भी मैं अपने डेस्टिनी में लाई हूँ अब ये सब इस घर का है, अब हम वो सब कुछ इस घर में शेयर करेंगे। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट योर हैंड्स आर एंड द लाइंस ऑफ योर हैंड्स आर। आपका कुछ भी गलत हो सकता है, शायद आपको बहुत सारी चीजें आपके बारे में नहीं पता हो, पुराने टाइम में शायद आपको टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता हो, लेकिन ये कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा।
योर हैंड्स आर योर ट्रू मिरर, दे आर योर रियल पिक्चर. वो आपको कभी गलत नहीं बताएंगे. आप इसमें कितना भी पेंट लगा लो, कितनी भी मेहंदी लगा लो, कितना भी इसको पिन से ब्रश कर लो, ये लाइंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ये लाइंस क्योंकि हमने नहीं लिखी हैं. कितना भी ऐसे फोल्ड करके कोई लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर लो, यू कांट चेंज वॉट इज देयर इन योर पाम. दिस इज हाउ पावरफुल अ हैंड इज. ठीक है. और एक चीज, लास्ट टिप बिफोर आई एंड द सेशन, लास्ट टिप, किसी भी योग को फ्रूटफुल होने के लिए, किसी भी अच्छी चीज को फ्रूटफुल होने के लिए आपका सन और आपका मून एक्टिवेटेड होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. सूरज को जल नहीं चढ़ा सकते कभी कभी हम. कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं फैमिली में, वी डोंट वॉन्ट अदर्स टू नो कि हम कुछ कर रहे हैं, या हम टेम्पल नहीं जा सकते किसी वजह से. मे बी कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या जस्ट डिलीवरी की है, जापा में है, तो हम क्या रेमेडी कर सकते हैं सन की ऐसी. ऑलवेज कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. सन क्या है? सन इज द लीडर. वो ऐसे झुका हुआ नहीं होता है, वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट होता है, विद चेस्ट ब्रॉड एंड स्पाइन स्ट्रेट. जितना आप लोग अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठेंगे, आपको हेल्थ भी मिलेगी, आपको वेल्थ भी मिलेगी, आपको सन की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी. ये जो सारी साइंस है ना, ये इस तरह से जोड़ी गई है, ये इस तरह की चीजों से है कि हम इन चीजों को अपना लाइफ स्टाइल बनाएं. दीज आर नॉट मिथ्स, इट इज समथिंग विच हैज टू बी अडोप्टेड एंड अडेप्टेड इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर वे ऑफ लिविंग. एंड थैंक यू सो मच मैडम आज के लिए. अभी बहुत मुझे यही अच्छा, पढ़ाना था. बहुत अच्छा। और जिन्होंने हमारा कल का वेबिनार मिस किया है, तो आज जो हमने लिंक दिया है वहाँ पर यूट्यूब का लिंक भी है, तो वहाँ पर जाकर आप जो हमारी कल की वीडियो है, जो वीडियोस में आपको मिलेगी, वो देख तो लीजिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट जी, प्लीज. आप 1 मिनट ले लीजिए मैम। मैं सिर्फ आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि कल से ही हमारी एक क्लासेस आ रही हैं। ये 13 डेज की क्लासेस हैं, 13 दिन का मास्टर कोर्स है पामिस्ट्री के ऊपर। मास्टर कोर्स का मतलब आपको बहुत कुछ इसके अंदर सिखाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल आप सीख जाएंगे, और ये सीखने के बाद आप सामने वाले को भी सिखा सकते हैं और सामने वाले को कंसल्टेशन भी दे सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज 9999 है अभी के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज 5555 रखा गया है, तो 5555 दे के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल ही ये स्टार्ट हो रही है 23rd ऑफ फेब से, और 12:12 यानी कि कल आफ्टरनून का ये बैच है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं, जैसे अभी आप ले रहे हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर पर डे के सेशन में लिए जाते हैं। ये 15 दिन का सफर हमारा, लगभग आधे महीने तक साथ में रहने वाले हैं हम। संडे ऑफ रहता है, क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं, संडे संडे ऑफ रहेगा आपका, और पूरा हम 15 दिन में साथ में रहने वाले हैं, 13 से 15 दिन, और बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं। पेमेंट करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7666559566, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि हम इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने के लिए। कल मैडम ने बहुत विस्तार से इसको एक्सप्लेन भी किया था, आज भी मैडम ने शुरुआत में बताया है। सभी YouTube व्यूअर्स जो देख रहे हैं और जो आप सब लोग यहाँ पर हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बैंक डिटेल के लिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिन्होंने शुरू में मिस किया था। 9675176666 पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आपको करना है। बस पेमेंट करने के बाद जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो आपको शेयर करना है 7666559566 पर, और आप सभी का स्वागत करते हैं हम इस क्लास के अंदर। और जिन जिन लोगों ने इसमें एनरोलमेंट लिया है उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं, तो आज हमारी 9 बजे और भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप फटाफट दो चार क्वेश्चन अगर किसी को पूछने हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, पामिस्ट्री के बारे में, क्लास के बारे में, या कुछ रेमेडीज के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम राधे राधे करें। चलो, एक किसी ने हैंड रेस किया है। राधे राधे जी, मेधा जी। राधे 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 सर, मेधा राधे राधे जी, मैम. मैम मुझे पूछना था, जैसे ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चों के मतलब हम लोग को ऐसे नहीं पूछना चाहिए, ना तो हैंड रीड करने चाहिए, ना कुंडली उंडली देखना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी होता है क्या? बच्चों का ना मैं कुंडली के लिए तो नहीं बोलूंगी कि आपको नहीं देखना चाहिए. आप डेफिनेटली बच्चे के बॉर्न होते ही उनकी कुंडली बनवा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं. उनके लिए आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं, उनके लिए आप न्यूमरोलॉजी रीडिंग कर सकते हैं, वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं. हैंड के लिए मना नहीं किया जाता है. हैंड के लिए द थिंग इज कि ना बच्चों की जो लाइन्स है ना वो वेल डेवलप्ड होती नहीं है.
आप अपने बच्चे की देखेंगे ना, हाँ आप रीड कर पाएंगे क्योंकि वो वेल फॉर्म्ड नहीं होती है, 12 साल की एज के बाद वो बेटर फॉर्म होने लगती है। तो देखना इज नॉट प्रोहिबिटेड, उससे कोई कर्स नहीं मिलेगा हमें, इट्स जस्ट दैट हम एक्यूरेटली रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 12 ईयर्स के बाद वो बेटर फॉर्म होती है। मेजर लाइंस वी कैन रीड बट थोड़ा सा बस इसीलिए। ऑल्सो छोटे बच्चों को तो ना कुछ कुछ हमारे प्लैनेट्स को भी कर्स मिला है, छोटे बच्चों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बट बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड, युगा हैज चेंज्ड, इसलिए छोटे बच्चे भी बीमार होते हैं, बीमार पैदा भी होते हैं, विद डिफिकल्टीज भी पैदा होते हैं, तो आप देख डेफिनेटली सकते हैं। तो अपन क्या एज अपन लेके चलते हैं कि इस एज के बाद हम देख ट्वेल्थ सकते के हैं? बाद तो आप 100% देख सकते हैं, उसके बाद तक तो सब कुछ पूरा फॉर्मेशन हो चुका होता है अच्छे से। अच्छा, और वन मोर थिंग, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ना हाथ देखने के लिए स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, रात में नहीं देखना चाहिए, शाम को नहीं देखना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? इफ यू हैव अ पुअर आई साइट देन डोंट, अदरवाइज कोई टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास साइंस है, आपके पास नॉलेज है, आप उसको कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये होता है कि हमें ना लाइन्स प्रॉपरली देखनी है। अगर आपकी आई साइट ऐसे है कि आपको दिखाई नहीं देगी लाइन, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ सीइंग इट, इट्स बेटर टू सी इट इन द सनलाइट, देर इज एब्सोल्युटली नो अदर रीजन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ओके जी, मेधा थैंक जी, यू, थैंक यू सो मच चलिए मैडम आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और आप सब लोग बने रहिए, बहुत सारी फ्री क्लासेस, फ्री ब्लेसिंग वेबिनार्स आते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर लगभग 500 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं, उसमें आपको बहुत सारा नॉलेज सर्व किया गया है। अगर आप किसी पेड क्लास में नहीं आ पाते किसी कारण से, तो आप वो सारी वीडियो तो कम से कम देख लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन आप जरूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर आ जाए। थैंक यू वेरी मच मैम सुरभि जी, बहुत अमेजिंग था थैंक सेशन। यू, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। राधे राधे टू ऑल, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू, राधे राधे राधे, राधे, थैंक यू, राधे राधे, राधे नमस्कार।